नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक बार फिर हुई पेंशन ट्रांसफर, 3,000 रुपये से लाकर 6,000 रुपये इस तारीख में बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यह लाभ दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से दिया गया है। किस तारीख में यह पेंशन राशि ट्रांसफर हुई है और किन किन लाभार्थियों को इस तारीख में पेंशन मिली है, यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह जानकारी आपके लिए भी काम की है, जरूरी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से इस समय जो पेंशन राशि दी जा रही है 3,000 रुपये, वह अप्रैल, मई और जून महीने के हैं। देखिए, सरकार द्वारा यह लाभ सबसे पहले दिव्यांगों को मिला, फिर विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और लास्ट में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। हालांकि इन सभी में से बहुत से ऐसे पेंशन रह रहे थे जिनको शुरू में पेंशन नहीं मिली, तो धीरे धीरे सरकार सभी जिले के लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर रही है। 3,000 रुपये ये लाभ दिया जा रहा है। अब बात कर रहे हैं कि 6,000 रुपये जो पेंशन राशि है आखिरकार किन लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3,000 रुपये इस महीने के हो जाते हैं और अप्रैल, मई और जून 3,000 रुपये इनके हो जाते हैं 3 महीने के, तो टोटल हो जाते हैं 6,000 रुपये। आप कह सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने के सीधे 6,000 रुपये सरकार सीधे उन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है जिनकी पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की बैंक खाते में नहीं पहुंची थी। एक साथ सीधे 6,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, चाहे वे दिव्यांग व्यक्ति हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो, वृद्धावस्था पेंशनधारक हो या फिर कुष्ठावस्था पेंशनधारक हो। सरकार सभी के बैंक खाते में रुकी पेंशन ट्रांसफर कर रही है, पर लेकिन उन्हीं लाभार्थियों का लाभ मिल रहा है जिनका ई केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, बैंक केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से ही इनके बैंक खाते में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई थी। आपका भी यदि पेंशन राशि रुकी हुई है तो आपको अपना ई केवाईसी जल्द से जल्द करा लेना है और बैंक केवाईसी आपको कंप्लीट कराना है, और यहाँ पर आपको अपने बैंक में जाकर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट, डीबीटी, एनपीसीआई को एक्टिव करा लेना है। आपके बैंक में ही ये चीज़ें एक्टिव होगी। उनको आपको बोलना है कि सर हम पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो हमारे पेंशन बैंक खाते में पहुंच सके, तो हमको यानी कि हमारे डीबीटी, एनपीसीआई एक्टिव कर दीजिएगा, तो वहाँ पर ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको अपने बैंक में जाना होगा तभी आप ये चीज़ें पूरी करा सकते हैं, ठीक है ना। ये कार्य आपको कराना है। और जिस पेंशन धारक के पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही थी और गलतियां कंप्लीट उन्होंने अपनी ठीक करा लिए, करेक्शन करा लिए, अब उनके आवेदन फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है, उन्हीं लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जा रहा है, रुकी पेंशन उन्हीं को दी जा रही है। अब यदि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके आवेदन फॉर्म में अभी भी गलतियाँ नहीं है, जिनकी आवेदन फॉर्म में गलतियां हैं उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, किसी भी महीने की भविष्य में पेंशन राशि उनको नहीं मिलेगी। देखिए, यहाँ पर अप्रैल, मई और जून महीने की जो 3,000 रुपये हैं पेंशन राशि सरकार इस समय लाभार्थियों को वह दे रही है, और जैसे ही प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों को अप्रैल मई जून महीने की पेंशन राशि 3,000 रुपये मिल जाती है, उसके बाद सरकार जो पेंशन राशि ट्रांसफर करेगी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की 3,000 रुपये उनको यह लाभ दे दिया जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि सरकार द्वारा 6,000 रुपये जो रुकी हुई पेंशन है किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है और किस तारीख में ट्रांसफर की गई है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक
लाभार्थी का स्क्रीनशॉट आया था वर्धावस्था के, तो यहाँ पर देखिए उनका बैंक खाता केनरा बैंक में है, उन्होंने सीधे ही हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर आप स्वयं भी देखिए और पढ़िए, योर अकाउंट, यहाँ पर इनका हमने अकाउंट नंबर हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप समझिए, हम आपको समझा रहे हैं, योर अकाउंट क्रेडिट विद INR 6000 यानी कि 6000 रुपये ऑन 7/9/2023 यानी कि 7 सितंबर 2023 में इन लाभार्थियों बैंक खाते में 6000 रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किए गए हैं। टोटल इनका बैलेंस हो जाता है 6054 रुपये इनका बैंक खाता केनरा बैंक में है। अब यदि आपकी भी रुकी पेंशन है, आपके बैंक खाते पेंशन राशि पहुँच गई है, और आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके बैंक खाते में कितनी पेंशन राशि पहुंची है, किस तारीख में पहुंची है और कितनी महीने की आपको ये पेंशन का लाभ दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि सरकार द्वारा किस तारीख में पेंशन ट्रांसफ़र की गई है और कितनी पेंशन राशि सरकार द्वारा लाभार्थी को दी गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।